देश का भविष्य कौन तय करता है? निश्चित तौर पर देश के नागरिक, लेकिन उन्हें समर्थन मिलता है सरकार की नीतियों और कल्याण की कोशिशों से। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां नए भारत की नींव रखी जा रही है। ऐसे में 1 फरवरी को पेश हुए आम बजट की बारीकियों के साथ प्रधानमंत्री कल खुद सामने आए। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। मंगलवार को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब देश का आम बजट पेश किया तो उसमें सबसे ज्यादा चिंता देश के आम नागरिकों, विशेषकर गरीबों एवं हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने की थी, और इसके लिए उसमें तमाम बड़े ऐलान भी किए गए। इसी बजट पर विस्तार से बात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद किया। पीएम ने बताया कि कैसे ये बजट विकास को गति देने वाला आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए है। प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में बता दिया कि बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है। इस बजट का भी फोकस गरीब, मिडिल क्लास और युवाओं को बुनियादी सुविधाएं देने और आय के स्थायी समाधानों से जोड़ने पर है। हमारी सरकार मूलभूत सुविधाओं के सैचुरेशन पर काम कर रहे हैं। पीएम ने कहा इस साल करीब 4 करोड़ ग्रामीण घरों को पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों को घर देने के लिए बजट में बड़ा ऐलान किया गया है और इसमें 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। जो गरीब थे, जो झोपड़पट्टी में रहते थे, अब उनके पास अपना घर है। पहले के मुकाबले हमारी सरकार ने इन घरों के लिए राशि भी बढ़ाई है और समय की ध्यान को रखते हुए घरों की साइज भी बढ़ाई है ताकि बच्चों की पढ़ाई न छूट जाए। किसानों का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि आज समय की मांग है कि भारत की कृषि आधुनिक बने, नए तौर तरीके अपनाएं जिससे किसानों पर बोझ कम हो। देश की कृषि को टेक्नोलॉजी आधारित और केमिकल फ्री बनाने के लिए बड़े कदम इस बजट में उठाए गए हैं। पीएम ने कहा कि बीते बजट में किसान रेल और किसान उड़ान की सुविधा सुनिश्चित की गई, अब किसान ड्रोन किसान का नया साथी बनने वाला है। ड्रोन तकनीक से किसान को तो मदद मिलेगी ही, उत्पादन का रियल टाइम डेटा भी उपलब्ध होगा। हर साल जो लाखों करोड़ रुपए हम खाद्य तेल खरीदने के लिए विदेश भेजते हैं वो देश के किसानों को ही मिले, इसके लिए विशेष योजनाएं लागू की जा रही हैं। अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने का एक बड़ा अभियान निरंतर चल रहा है जिसके माध्यम से खेत में ही सोलर पैनल लगाने के लिए मदद दी जा रही है। इस साल के बजट में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 68,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये राशि भी पिछले साल की तुलना में ज्यादा है। इसका लाभ भी देश के करीब 11 करोड़ किसानों को होगा। एमएसपी को लेकर भी अनेक प्रकार की बातें फैलाई गई है, लेकिन हमारी सरकार ने बीते सालों में एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद की है। सिर्फ धान को ही अगर बात करें तो इसी सीजन में किसानों को एमएसपी के रूप में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिलने का अनुमान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी युवा आकांक्षाओं और युवा सपनों को समझती है, ये इस बजट में भी स्पष्ट रूप से दिखता है। युवाओं को शिक्षा और स्किल के बेहतर अवसर देने के लिए बीते सालों में टेक्नोलॉजी का दायरा निरंतर बढ़ाया गया है। इस बजट में इसको विस्तार देते हुए पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया गया है। इससे गरीब के गरीब बच्चों को भी, अपनी रोजी रोटी कमाते हुए भी अगर इस यूनिवर्सिटी से कोई छोटे छोटे कोर्सेज करने हैं तो वो आराम से कर लेगा। बजट का खास जोर डिजिटल इंडिया के जरिए आम आदमी को सशक्त करने का है, और प्रधानमंत्री ने बताया कि इसके लिए बजट में क्या क्या किया गया है। अब पोस्ट ऑफिस के खातों में भी बैंकों की तरह ही मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम और ऑनलाइन फंड ट्रांसफर की सुविधा मिल पाएगी। अभी देश में 1.5 लाख से अधिक पोस्ट ऑफिस हैं, जिसमें से अधिकतर गांवों में हैं। पीएम ने कहा कि 5G सर्विस भारत में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एक अलग ही आयाम देने वाली है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम गतिशक्ति के दायरे में सड़क, रेल, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना आएंगे और अगले एक साल में 20,000 करोड़ रुपए की लागत से 25,000 किलोमीटर हाईवे बनेगा। पीपीपी प्रारूप में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम और पर्वतमाला कार्यक्रम शुरू होगा। एमएसएमई को अर्थव्यवस्था का मजबूत पिलर बताते हुए पीएम ने कहा कि इनकी मदद के लिए शुरू की गई इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जारी रहेगी। पीएम ने कहा कि 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 60 लाख नए रोजगार पैदा होंगे। भारत आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में दुनिया का उभरता हुआ केंद्र बन रहा है। ऑटोमोबाइल और बैटरी के क्षेत्र में भी पीएलआई स्कीम के इसी तरह उत्साहवर्धक परिणाम मिल रहे हैं। पीएम ने कहा कि इस समय देश 100 साल में आई सबसे बड़ी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है और इस समय दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि भारत आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भर भारत की नींव पर एक आधुनिक भारत का निर्माण हो। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।